ये जो आप बोल रहे हैं, सुनिए ये सवाल है नहीं, ये चाय के टेबल पर बैठ के जो बातें होनी है वो आपने अभी शुरू कर दी। मैं स्वयं विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में हमारी जननी है, जननी माने माँ, माँ दूध देगी तब तक ही वो माँ होती है, ऐसा बेटा मुझे मत बनाइए। टिकट बहुत गौण चीज है और उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। मैं नेता पुत्र सबसे ज्यादा प्रदर्शन इस समय प्रदर्शन कर रहा है, लगता है कि उनको टिकट मिला भी ये हेल्प है, थोड़ा सा कुछ सुनना चाहिए। नेता पुत्रों को जो सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, क्या पार्टी चाह रहे सब कुछ कर रही है? मैंने सबसे ज्यादा नहीं, प्रदेश भर में जिसकी इच्छा है वो दावेदार अपनी शक्ति कार्यकर्ता लाकर दिखाता है कार्यक्रमों में, तो उन्हीं की बात क्यों की जाए, वो जिसकी इच्छा है वो करते हैं। हेल्प तो सुनना चाहेंगे, क्या सुनना है मुझे? नहीं, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के बारे में, खुद बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपकी इच्छा क्या है, क्या बोलूं? जो कमल के फूल का झंडा लेकर मेरे साथ चल रहे हैं वो मेरी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में। मध्य प्रदेश का बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ का है और देश का बजट 44 लाख करोड़ का है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कर्जा 3.5 लाख करोड़ का है सर, लेते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं। देखिए हम जन ये सरकार की जिम्मेदारी है उसकी, लेकिन नहीं नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जिंदगी का पहला इंटरव्यू मैंने इन्हीं का किया था, अपनी लाइफ का पहला सवाल इसी पूछा था आज की 20 साल पहले, इतने अच्छे वक्ता हैं कि इनके सामने तो मतलब ही नहीं है। मैं आते ही नहीं हूँ क्योंकि आप बैठे हो, मैं आ भी गया। देखिए जनता के कल्याण के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, हम वो कर रहे हैं, बेच देंगे प्रदेश। ये तो कमलनाथ का भाषण, ये तो वो भाषण है जो कमलनाथ ने दिया, आपका ही बोल रहे हैं। आपको तो मैं मोबाइल पर ही बोलूंगा, बंद कर आपके सवाल पूछने का तरीका ऐसा बन टू बन कर। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।